वंदे मातरम। आजादी की 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव पर क्यों ना हम याद करें उनको जो देश की आजादी के लिए न जाने कितने ही संघर्षों के बाद अपना सर्वस्व निछावर कर गए। ऐसे ही एक वीर की कहानी लेकर एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ एमपीएस की ओर से। मातृभूमि की सेवा के लिए व्यक्ति की शिक्षा, आर्थिक स्थिति या अवस्था कोई अर्थ नहीं रखते। दिल्ली वासी क्रांतिवीर अवध बिहारी ने केवल 25 वर्ष की अल्पायु में ही अपना शीश मां भारती के चरणों में अर्पित कर दिया। अवध बिहारी का जन्म दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंदलाल श्रीवास्तव इन्हें बहुत छोटा छोड़कर स्वर्ग से धार गए थे। अब परिवार में अवध बिहारी, उनकी माँ तथा एक बहन रह गए। निर्धनता के कारण प्रायः इन्हें भरपेट रोटी भी नहीं मिल पाती थी, पर अवध बिहारी बहुत मेधावी थे। छात्रवृत्ति और ट्यूशन के बल पर अवध बिहारी ने सेंट स्टीफन कॉलेज से प्रथम श्रेणी में स्वर्ण पदक लेकर बीए किया। उनकी रुचि पढ़ाने में थी, अतः वे लाहौर गए। वहां उनके कॉलेज के एक अंग्रेज अध्यापक ने इनकी प्रतिभा और कार्यक्षमता देखकर कहा था कि ऐसे बुद्धिजीवी युवकों से अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता के प्रसार में बहुत सहायता मिल सकती है। पर उन्हें क्या पता था कि वो युवक आगे चलकर ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाने में लग जाएगा। शिक्षा पूरी कर अवध बिहारी दिल्ली में संस्कृत हाई स्कूल में अध्यापक हो गए, पर वह सरकारी विद्यालय स्वाधीनता के उनके कार्य में बाधक था, अतः उसे छोड़कर वे लाला हनुमंत सहाय द्वारा स्थापित नेशनल हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। दिल्ली में उनकी मित्रता मास्टर अमीर चंद आदि क्रांतिकारियों से हुई, जो बम और गोली के माध्यम से अंग्रेजों को देश से भगाना चाहते थे। अवध बिहारी ने आजीविका के लिए अध्यापन कार्य करते हुए पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिल्ली में वायसराय के जुलूस पर बम फेंकने की योजना बनाने में भी अवध बिहारी सम्मिलित थे। राज बिहारी बोस इस घटना के बाद पहले देहरादून और उसके बाद जापान चले गए थे। अवध बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत उन पर अभियोग चलाया गया। वायसराय की हत्या की कोशिश का अभियोग लगाकर मास्टर अमीरचंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास के साथ अवध बिहारी को भी मौत की सजा दी गई और अंत में उन्हें दोषी करार देते हुए अंबाला जेल में फांसी पर लटका दिया गया। आजादी के लिए मौत को गले लगाने वाले इस वीर क्रांतिकारी को हमारा शत शत प्रणाम। वंदे मातरम।